विद्यार्थी मित्रों, गया वीडियो लेक्चर में आपने जो किया था बसों पलट की घटना में युग्मन रचना विषय आपने सीख लिया था। आज आपने सीखवाना चाहिए भ्रूण जनन विषय। भ्रूण जनन में आपका युग्मन रचना आगर का विकास एक रीते आपने कही सकिए। तो आ विषय में आप चर्चा करीशू। आज भ्रूण जनन अथवा युग्मन नो आगळनो विकास छे एना विषे चर्चा करवाना छे। तो भ्रूण जनन में बे प्रकारनी क्रिया जोवा मळशे। सौथी पहेला जे छे कोष विभाजन। तो कोष विभाजन ना अंदर कोषों की संख्या में वृद्धि जो मळशे। तो आप एवं कही सकते कि कोषों की संख्या में उमेरो जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शुं थशे के सौथी पहेला युग्मन कोष विभाजन जोवा मळशे। तो अहीं जे कोष विभाजन छे एना द्वारा कोषों की संख्या ना अंदर उमेरो थशे अथवा एना अंदर वृद्धि जोवा मळशे। पछी कोष विभाजन थई गया पछी जे प्रक्रिया छे तेना अंदर कोष विभेदन जोवा मळशे। तो कोष विभेदन नी प्रक्रिया ना अंदर जे कोषो कोष विभाजन द्वारा नवा नवा कोषो बनी गया छे, तो ते कोषो ना अंदर कोषों ना अंदर रूपांतरण जोवा मळशे। कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं थाय कोष विभेदन में, पण जे कोष विभाजन द्वारा कोष जे नवा बन्या छे ते कोषों ना अंदर रूपांतरण जोवा मळशे। तो रूपांतरण जे हशे ए कद अने आकार लक्षी हशे जे ते बेसीने लागता। तो आ जे कोषों ना रूपांतरण छे ए कोषो जे पेशी बनावशे तेना अनुलक्षी तेना अंदर रूपांतरण जोवा मळशे जे कद अने आकार लक्षी हशे। तो आ रूपांतरण द्वारा सौथी पहेला कोषोना समूहथी पेशीओनुं निर्माण थशे अने पेशीओ द्वारा अंगनुं निर्माण थशे। અંગોનું નિર્માણ થશે અને અંગો દ્વારા અંગતંત્રોનું નિર્માણ થશે અને અંગતંત્રો દ્વારા સજીવ દેહનું નિર્માણ જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ભ્રૂણજનનની પ્રક્રિયા વિશે આજે આપણે વાત કરી છે। तो एना अंदर बे प्रक्रिया जोवा मळशे, खास करीने सौथी पहेला कोष विभाजन थे। तो कोष विभाजन में तमारे याद राखवानुं छे के कोष विभाजन द्वारा कोषोनी संख्याना अंदर वृद्धि जोवा मळशे, एटले के कोषोनी संख्यामां वृद्धि कहीशुं अथवा एना कोषोनी संख्यामां उमेरो थतो आपणने जोवा मळशे। तो बीजी प्रक्रिया जे छे कोष विभेदन तरीके कहीशुं। तो कोष विभेदन मां जे नवा कोषो बनिया छे कोष विभाजनना अंदर ते कोषोना अंदर रूपांतरण जोवा मळशे। या कोषनी संख्यामां वृद्धि नहीं थाय कोष विभाजनना अंदर, पण जे कोष विभाजनना अंदर नवा कोषो बनिया छे तेना अंदर रूपांतरणो जोवा मळशे, जे ते पेशीना अथवा अंगना अथवा अंगतंत्रना अनुलक्षीने तेना कद अने आकारमां फेरफार जोवा। तो आ कोषोना जे रूपांतरण छे
सजीवना हृदयनू निर्माण जोवा मळे छे। हवे विद्यार्थी मित्रों भ्रूणजननना अंदर आपणे आगळना मुद्दामां वात करीशुं के प्राणीओमां युग्मननो विकास ते मादा सजीवना देहने बहार के अंदर जोवा मळे छे। तेना आधारे तेने बे जूथमां बे जूथमां वहेंचवामां आवे छे। तो पहला प्रकारना जे प्राणी हशे ते अंडप्रस्वी प्राणी हशे। अंडप्रस्वी अंडप्रस्वी जे प्राणी हशे युग्मन नो विकास जे छे ए मादा सजीवना देहनी बहार जोवा मळशे जे फली अथवा अफली अवस्थामां छे। कैल्शियम कवच युक्त से योग्य पर्यावरण ऊंडा मुक्त प्राणी तो सेवन बार नवा सजीव उत्पत्ति। तो उदाहरण तरीके पक्षीओ अने सरीसृप। हवे बीजा प्रकारमां आपणे जोईशुं के अपत्य प्रस्वी प्राणी। तो अहींयां जे युग्मनजनो विकास थशे युग्मनजनो विकास मादा सजीवना देहनी अंदर जोवा मळशे। तो अहींया सजीवनो जन्म थशे હવે જે ભ્રૂણ નો નિર્માણ વૃદ્ધિ मादा सजीवना अंदर कहीं
तेना प्रसव द्वारा नवा संतति में उत्पत्ति होवा मारे। तो यह उदाहरण तरीके से मानव सभी बच्चा श्रेष्ठता प्राणी। तो विद्यार्थी मित्रों खास याद रखो कि प्राणियों अंदर जो यौवनस ना विकास है मादा सजीव शरीर अंदर देहनी अंदर थाय छे के नहीं थतो तेना आधारे आपणे बे जूथ बनाव्या छे अंडप्रसवी अने अपरप्रसवी। अंडप्रसवी ना अंदर जे प्राणी छे ते ईंडा हशे तो अहींया जे ईंडा हशे ते कैल्शियम कवचयुक्त हशे अने जे ईंडा मूके छे प्राणी ते योग्य पर्यावरण में मूकशे। योग्य पर्यावरण एटले के ज्यां पक्षीओनो वधारे भय ना होय एवा पर्यावरण ना अंदर हशे अने जे ईंडा हशे ते फलित अथवा अफलित अवस्था अंदर जोवा मळशे अने आ ईंडा योग्य सेवन बाद अहींया नवा सजीवनी उत्पत्ति जोवा मळशे। उदाहरण तरीके छे पक्षीओने सरीसे पाणी। હવે અપત્ય પ્રસ્થિના અંદર શું થશે? અપત્ય પ્રસ્થિના અંદર જે યુગ્મરજનો વિકાસ જે છે તે માદા સજીવના દેહની અંદર જોવા મળશે અને તે ભ્રૂણનું નિર્માણ વૃદ્ધિ વિકાસ જે છે એ માદા સજીવના અંદર જ થાય છે અને તેનો વિકાસ થઈને પ્રસવ દ્વારા નવા સંતતિની ઉત્પત્તિ જોવા મળશે। तो एना उदाहरण में से मानव शरीर बच्चा सस्तन प्राणी। हवे आपणे ऋण जनन क्रिया वनस्पति में बात करी तो वनस्पति में युग्मन नो विकास जे छे ते अंडर मां जो मां मळे छे। तो आमा पुष्प ना बीजा भाग पुष्प ना બીજા ભાગ જેવા કે વજ્રચક્ર દરપત્રો અને પુંકેશરો જે હશે તે ખરી પડશે માત્ર त्रिकेशर मौज भाग रहे। तो विद्यार्थी मित्रों वनस्पति ना अंदर युग्मनज में जो विकास है ते अंडक में जोवा मळशे। तो अहींया जे रूपांतरण ना अंदर बीजा शय छे એ ફલન પછી પરિપક્વ થઈને પરિપક્વ ફલન પછી ફળ તરીકે ઓળખવામાં આવશે। તો ફળ એટલે કશું નથી પણ પરિપક્વ બીજા છે આપણે કહી શકીએ અથવા ફલન પછી તેનું રૂપાંતરણ જે છે બીજા છે તે ફળમાં થાય છે અને બીજા વર્ણ બીજા વર્ણનું નિર્માણ છે તેનું રૂપાંતરણ ફલાવરણમાં જોવા મળશે।
હવે જે અંડક છે અંડક છે તેનું રૂપાંતરણ જે છે તે બીજ તરીકે જોવા મળશે. અહીંયા બીજા તો આ જે બીજ છે તેનું પછી અનુકૂલિત અવસ્થામાં અંકુરણ જોવા મળશે અને અંકુરણ દ્વારા નવા સજીવની ઉત્પત્તિ થાય. તો આ રૂપાંતરણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વનસ્પતિના અંદર જે યુગલનો વિકાસ છે એ અંડકમાં જોવા મળશે. તો પુષ્પના બીજા ભાગ જેવા કે વજ્ર પત્રો ગલપત્રો મુકેશરો ગરી પડશે માફેશનો ભાગ જ રહેશે. તો ફલન પછી જે રૂપાંતરણ જોવા મળશે વિજયશ્રેષ્ઠનું રૂપાંતરણ ફળમાં જોવા મળશે. બીજાવરણ અથવા નકારણનું રૂપાંતરણ જે છે એ ફલાવરણમાં જોવા મળશે અને જે અંડકારણના અંદર જે અંડકો હતા તેનું રૂપાંતરણ બીજમાં જોવા મળશે અને આ બીજનું અનુકૂલિત અવસ્થામાં અંકુરણ થઈને નવા સંતતિનું નિર્માણ થશે.